ये बुकिंग हो गई, दूर से आ रहे थे, 5 लाख रुपए ऑलरेडी ना बुकिंग के लिए भेज दिया उन्होंने, ठीक है, इंस्टेंटली गाड़ी को सिर्फ आपके वीडियो पे देख के, बिल्कुल, इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक इंजन जिसमें आपको गियर हाथ से डालना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक वो क्लच को अपने आप एडजस्ट कर ले। गाड़ी का आस्किंग प्राइस बता दूं राजीव भाई, ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस मैं आपको दे दूंगा ओनली 7 लाख बस का प्राइस टैग रहता है। ये गाड़ी आप मेरे पास से ले जाओगे, इसमें आपका बहुत भारी ऑफर है ये चीज। वेलकम गाइस, कैसे हो, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक बार आ गए कलकत्ता कार बाजार में, सॉल्ट लेक में, और आज हम फिर से एक बार मिलेंगे मिस्टर सिद्धार्थ जी से, जो कि हमें हर गाड़ी की कलेक्शन बताएंगे। पिछले वाले वीडियो का क्या खबर था, मतलब होली स्पेशल जो था आपने, होली स्पेशल में जैसा रंग बरसना था वैसा बरसा है, रंग बरसे कस्टमर था वैसे थे, अच्छा सबको हैप्पीली लेके गए हैं। फेस्टिव सीजन था, फेस्टिव सीजन का डिस्काउंट भी आपके व्यूअर्स का अलग था अभी तक। यही बोलूंगा इस सीजन में भी हर तरह की गाड़ी, आगे बार तो बता दिया हूँ एक्चुअली, अभी कंपैरिजन का किस तरह का मार्केट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, वारंटी वगैरह क्या दे रहे हो, आप बोल रहे थे वारंटी, 1 साल का इंजन गियर बॉक्स का वारंटी कवर्ड हम लोग की तरफ से मिलती है। 2014 के ऊपर की जो भी गाड़ी होगी उसमें अपना वर्कशॉप है, 1 ईयर का रिटन डॉक्यूमेंटेशन में वारंटी मिलती है, 1 साल के अंदर में 3 free services प्रोवाइड की जाती है। और अभी का तो स्टॉक जैसा आ गया है, जैसे कि न्यूअर वेरिएंट सब जो सब दिखा दिया मैंने, आगे वाले वीडियो में भी आपने फॉलो किया वो भी आपने देखा है कि ऐसी गाड़ियां दिखा रहा हूँ जो 4 महीने 5 महीने की, जो कि ऑलरेडी कंपनी वारंटी में कवर्ड है, ऑलरेडी कंपनी वो कंपनी वारंटी कवर्ड हो जाने के बाद भी आपको 1 साल की सर्विसेज मिलेंगी। क्या बात है, चलिए फिर फटाफट शुरुआत करते हैं। पहली कार कौन सी होगी, पहली गाड़ी आज मैं 3000 चली हुई एक छोटी हैचबैक से स्टार्ट करता हूं। कौन सी, ये? हां जी, सेंट्रो नियोस। अरे नियोस, अरे वाह, चमचमाती हुई नियोस, नियोस स्पोर्ट है लाल, ठीक है, आपकी 3300 किलोमीटर्स कवर्ड है। अच्छा, ये ग्रिल क्या i20 वाली दे दी है क्या, यहाँ पे वेरिएंट है, स्पोर्ट्स वेरिएंट, स्पोर्ट्स वेरिएंट में पुश बटन स्टार्ट, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स, इवन की अलॉय व्हील्स, न्यू वाली नियोस में ये सारे चीज का सारे मिल गया, और न्यू वेरिएंट का डैशबोर्ड आपका i20 की तरह एकदम, मतलब की सेंटर कंसोल में ऊपर की तरफ में उठा हुआ वो न्यू फीचर की तरह, वो कंसोल सारे चीज मिल जाते हैं, न्यू फीचर्स, हाँ जी, वो रेयर पार्किंग कैमरा, ये सारी चीज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ठीक है। 2020 की गाड़ी है ये वाली, 20 की गाड़ी है, लेकिन 3600 किलोमीटर ड्रिवन है भाई, उसका आइडिया प्लास्टिक से लग जाएगा जब आप इंटीरियर देखोगे, जब आप इंटीरियर का जब आप वीडियो दिखा ही रहे हैं तो व्यूअर्स को देख के ये चीज पता चल ही जाएगी, अभी तक सीट की कंपनी की जो प्लास्टिक होती है वो नहीं उतारी गई है, तो क्या उतारी, तो यही बता रहा हूँ की न्यू वेरिएंट में, जैसे राजीव भाई हर बार बताया हूँ कि शोरूम से कंपैरिजन का नई गाड़ी का प्राइस आपका आ जाता है, इस गाड़ी का आपका 7,84,89 के आसपास, अच्छा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस और सब कुछ कुछ और इंक्लूडेड हो जाता है, अपने पास कंप्लीट रेडी में 3000 किलोमीटर ड्रिवन है, जो लोग नए में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये ऑप्शन बहुत अच्छी रहेगी, वो आके बिल्कुल एक बार टेस्ट ड्राइव करें, पेट्रोल वेरिएंट में अपने पास है। तो नई से प्राइस का क्या डिफरेंस दोगे, मैं इस गाड़ी को आपको कम से कम नहीं भी तो 1,20,000 का डिस्काउंट फ्लैट न्यू गाड़ी से दे दूंगा प्राइस में, 1,20,000 दे दो। इस गाड़ी का प्राइस अपना आस्किंग रहेगा ओनली 6,19,000, 6,19,000 3,000 चली हुई नियोस की, नहीं लेने जाओगे तो नहीं लेने जाओगे तो आपकी 7,89,000 के आसपास, तो ये आ गया, ये डिफरेंस है, ये देख सकते हैं। उसके बाद अपने पास आ जाता हूँ, इसके बाद ह्युंडई का जब हैचबैक से चालू किया, हैचबैक का लाइनअप भी कम में जो ड्रिवन है, हाँ हाँ, आ जाता हूँ एन लाइन आईएमटी i20 में, क्या बात है, देखो सेम सेम i20 बोल रहे थे, i20 में आईएमटी वेरिएंट है, हाँ, आईएमटी वेरिएंट, टर्बो वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट, अभी हैचबैक में सबसे ज्यादा अगर कॉस्टलीस्ट बोल दीजिए तो यही वेरिएंट आती है, पोलो पहले 10,75,000 की आपकी टीएसआई जीटी लाइन आती थी, अभी 12,45 के आसपास की इसकी आपकी 1 लीटर टर्बो एन लाइन आती है, 12,45 के आसपास, ये भी आपकी TDI ये इंजन एन लाइन वेरिएंट जो होती है वो वाली वेरिएंट में प्रोवाइडेड है, 9,000 किलोमीटर जो जेट शेप है ना जो टेल लैंप, हाँ जी हाँ जी, अच्छा, ये वाली न्यू शेप वेरिएंट में आ जाती है, अपने पास स्पोर्ट्स वेरिएंट में ये वाली एन लाइन वेरिएंट 1 लीटर टर्बो वेरिएंट में है, नई गाड़ी का आपका 10,45 के आसपास का प्राइस टैग रहता है। ये गाड़ी आप मेरे पास से ले जाओगे, इसमें आपका बहुत भारी ऑफर है, ये चीज दे दूं आपको, और ये गाड़ी आपकी हो गई है 11 मंथ्स की, 11 मंथ्स की, 11 मंथ्स की,
बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल कंडीशन में, पेट्रोल वेरिएंट में 1 लीटर टर्बो, ये गाड़ी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी आस्किंग प्राइस ओनली 8,69,000 में 11 महीने की 1 लीटर टर्बो IMT वेरिएंट, IMT का थोड़ा इतना बार बोल रहे हो ना, बार बार इस चीज को क्लियर मेंशन कर दूं, जो लोग ऑटोमेटिक वेरिएंट में जाना चाहते हैं, इट्स एन ऑटोमेटिक वेरिएंट, आपको गियर से हाथ से डालनी है, ऑटोमेटिक क्लच एडजस्ट ले लेती है। मतलब क्या ये ऑटोमेटिक है? बिल्कुल, इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएंट जिसमें आपको गियर हाथ से डालना पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक वो क्लच को अपने आप एडजस्ट कर लेती है। क्या बात, आपके पास पेडल सिर्फ ऑटोमेटिक की तरह दो ही रहते हैं, सिर्फ आपके पास एक्सेलेरेटर है और ब्रेक है, दैट्स इट। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लाइन है बहुत सारी, आगे कहाँ से शुरुआत करेंगे सिद्धार्थ जी? चलिए सेडान में से शुरू करते हैं, सियाज से। तो चलिए यहाँ पे हमने दो न्यू हैचबैक देखी थी, अब यहाँ पे देखो पुरानी न्यू हैचबैक में आ गया था। तो प्रीमियम सेडान से स्टार्ट कर देता हूँ, मारुति सुजुकी से स्टार्ट करता हूँ। 17 की सियाज हाइब्रिड SHVS, अच्छा हाइब्रिड भी है, ठीक है, हाइब्रिड वेरिएंट है, VDI ऑप्शनल वेरिएंट में, ओके। 2017 की गाड़ी, 17 में जब ये नेक्सा में चली गई थी गाड़ी फर्स्ट वेरिएंट में, तब हाइब्रिड जब आई थी तो वो वाली है। इसका अल्टीमेटली मारुति सुजुकी में तो बहुत ज़्यादा माइलेज के लिए रेनाउंड आई जी। 17 की गाड़ी है, 27 टैक्स पेड है, अच्छा 27 तक टैक्स पेड है गाड़ी आपकी, 36,000 से 38,000 किलोमीटर ड्रिवन है विद सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल। हमारी हर गाड़ी पे आपको सर्विस हिस्ट्री जरूर मिलेगी भाई, सर्टिफिकेशन हमेशा मिलेगी और सर्विस हिस्ट्री श्योरली मिलेगी। ये गाड़ी डीजल वेरियंट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा ओनली 5,29,000 आस्किंग, 529 आस्किंग। अभी मैं आपके इस वीडियो में राजीव भाई क्लियर कर दूं सब को, मैं आस्किंग बता रहा हूं, आस्किंग बता, ठीक है, इतना बता दिया। आपके जो व्यूअर्स आके ऑन टेबल डिस्काउंट के लिए बैठेंगे, आके यहां पे मेरे साथ बैठ के ऑन टेबल नेगोशिएट कीजिए। हर गाड़ी पे नहीं भी तो कम से कम मैं बता दे रहा हूँ, आज का जो स्टॉक दिखा रहा हूँ कम से कम उस गाड़ी पे 25,000 से 30,000 रुपए तक का बार्गेनिंग करने वाला मार्जिन में भी गाड़ी मेरे पास है। 25 से 30,000 तक की बार्गेनिंग तोड़ना है वो मेरे को आके आप तोड़ दीजिए, प्राइस एकदम आप मजबूत करके आइए तब। बिल्कुल बिल्कुल, 25 से 30,000 तक का डिस्काउंट जिस गाड़ी पे जैसा मार्जिन है जरूर छोड़ूंगा आपके व्यूअर्स के लिए। 2015 की एक्सेंट है, पेट्रोल वेरिएंट में, एस प्लस वेरिएंट, स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स, रियर पार्किंग कैमरा, इनबिल्ट म्यूजिक सिस्टम, ऑल फोर पावर विंडोज, रियर एसी वेंट्स, सारे चीज मिल जाते हैं, एयरबैग ABS मिल जाता है। 15 की गाड़ी, 25 टैक्स पेड, राइट, ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हो ओनली 3,49,000। क्या बात है, एक्सेंट जब दिया हो तो होंडा में अमेज दे देता हूँ। 2017 की फेसलिफ्ट वेरिएंट अमेज है, अच्छा SMT वेरिएंट है, गाड़ी ओनली 29,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, ठीक है, गाड़ी का आपको दिख रहा है टायर कंडीशन से लेके पेंट कंडीशन से लेके, ये कलर बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है SMT वेरिएंट में है, न्यू शेप में मतलब न्यू डैशबोर्ड वेरिएंट आ जाती है। ये गाड़ी भी पेट्रोल में अपने पास अवेलेबल है, 17 की गाड़ी है और ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली, मैंने इसका प्राइस दिया हुआ है 4,19,000। आपके व्यूअर्स के लिए इसका आस्किंग पे मैं ऑफर दे देता हूँ 3,99 का, लेकिन अभी भी होंडा ने इस शेप को भी बंद नहीं किया है, क्योंकि अभी भी होंडा ये क्लेम करता है कि ये शेप का डिमांड अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है, राइट, इसमें तो सनरूफ उन्होंने प्रोडक्शन बंद नहीं किया। ये गाड़ी आपकी 12,000 किलोमीटर ड्रिवन है, प्रिस्टाइन मिंट न्यू कंडीशन में गाड़ी, न्यू कंडीशन, एयरबैग ABS ये सारी चीज का होंडा में किसी को बताना नहीं होगा, एक्चुअली लाइनअप ऑफ कस्टमर्स ही थोड़ा अलग तरह का है, हां जी लाइनअप रहता है। सनरूफ वेरिएंट में अपने पास अवेलेबल है, मैनुअल में, पेट्रोल वेरिएंट में, और ये गाड़ी आपकी नई की 15 लाख कुछ की आती है, ठीक है, ऑन रोड प्राइस। ये गाड़ी आप अपने बना सकते हैं मेरे पास ओनली 9,59,000 आस्किंग, 959 आस्किंग, न्यू शेप होंडा सिटी, क्या बात है। अब ये देखे एक और न्यू शेप होंडा में, ये भी सर्टिफाइड कार वाले से, बिल्कुल 2019 की वेरिएंट, 6,200 चली हुई गाड़ी, 6,200 किलोमीटर चली हुई न्यू शेप अमेज SMT वेरिएंट 2019 की गाड़ी, 24 टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर, अ न्यू स्टेफनी फॉर श्योर, इतनी कम में तो निकलेगी नहीं स्टेफनी, राइट राइट,
गाड़ी अपने पास सर्टिफिकेशन की हुई है, अंडर वारंटी है अभी तक कंपनी से। ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं, पेट्रोल वेरिएंट में अवेलेबल है, सारे फीचर्स इसमें ब्रांड न्यू को मिल जाते हैं, इवन की टच स्क्रीन एक्स्ट्रा कंपनी से करवा के रखा है कस्टमर ने, ये सारा चीज का फीचर लोडेड है इसमें। ये गाड़ी भी बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल कंडीशन में, ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं। 2019 की अमेज है, नए का प्राइस आपका आ जाता है करीब करीब 9 लाख कुछ का। ये गाड़ी पे भारी डिस्काउंट, इस पे भी मैंने बोला कि शोरूम में जो लोग एक बार देखना चाह रहे हैं वो लोग एक बार अपने पास जरूर विजिट कीजिए। ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 625,000 फोर्ड की फीगो में आ जाता हूँ। 2018 की वेरिएंट है, अलॉय व्हील देख के समझ में आ रही है, टाइटेनियम वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट हैचबैक में, ठीक है, डीजल वेरिएंट है, इन सिटी मिनिमम 18-20 सर्विस निकालती है बिल्कुल आराम से, आप टेस्ट करके लाए हो बिल्कुल। गाड़ी कम से गाड़ी आपकी चली हुई है करीब 32,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल, 2018 की गाड़ी है, 2023 टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर विद सर्विस हिस्ट्री, डीजल वेरिएंट में अपने पास अवेलेबल। और ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 399,000 आस्किंग। बार बार मैं राजीव भाई आपके व्यूअर्स का, इस वीडियो पे जो भी देख के आ रहे हैं स्क्रीनशॉट मार के मेरे को इंस्टेंट ऑन टेबल आके दिखाइए, जिस गाड़ी पे जैसा मार्जिन होगा 25,000 से 30,000 और ऑन टेबल छोड़ूंगा आपके व्यूअर्स के लिए, से 25,000 से 30,000 और छोड़ देंगे। वेंटो इसका लाइनअप थोड़ा अलग रहता है, मैंने हर बार बताया स्कोडा और फोक्सवैगन में कस्टमर का लाइनअप ही अलग टाइप का है इसका, जो लोग थोड़ा हार्डीनेस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। पेट्रोल वेरिएंट में न्यू शेप वेंटो है, एलईडी बैकलाइट्स के साथ जो वाली आती है वो वाली शेप है, फेसलिफ्ट वेरिएंट सामने क्रोम लाइनिंग के साथ आती है। हाईलाइन वेरिएंट है, 2016 की गाड़ी है, 26 टैक्स पेड है, गाड़ी ओनली 29,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है विद सर्विस हिस्ट्री, अन्यू स्टेफनी के साथ, बंपर टू बंपर ओरिजिनल कंडीशन में है गाड़ी। गाड़ी में अगर स्क्रैच मार्क का दाग तो मैं बोल दूंगा इस चीज को फोकस करके आप दिखा सकते हो, सिर्फ ये है, ठीक है, क्या बात, फोकस करके बिल्कुल मैंने दिखा दिया, कस्टमर मेरे को बोलेंगे वो भी मैं करवा के दूंगा, बंपर टू बंपर ओरिजिनल कंडीशन में, इसलिए मैंने नहीं करवाया है। गाड़ी इस कंडीशन में है, पेट्रोल वेरिएंट में, हाईलाइन वेरिएंट, राइट है। ये गाड़ी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लोग 5.5 लाख तक का मांग लेंगे न्यू वेरिएंट का आपको प्राइस दूसरे डीलर के पास। कोलकाता कार बाजार में मैं आपको इस पे डिस्काउंटेड प्राइस मैंने बताया है आस्किंग पे ही दूंगा 479,000 की मोबिलियो, हैचबैक दिखा दिया, सेडान दिखा दिया, न्यूअर वेरिएंट्स में जब दिखाया तो अब मिनी एसयूवीज में भी दिखाना बनता है। राइट राइट, होंडा की WRV है, अच्छा सनरूफ वेरिएंट में VX वेरिएंट है, सनरूफ वेरिएंट में VX वेरिएंट है, मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट में, अच्छा गाड़ी 23,000 किलोमीटर के आसपास ड्रिवन है, सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है, अच्छा। नए का 12,86,000 के आसपास का प्राइस आता है, 12,86,000 का नया, 12,86,000 का उस टाइम का प्राइस था, अभी प्राइस हाइक भी हो सकती है। मेरे पास 19 की वेरिएंट बहुत कम चली हुई कंडीशन में, आके टेस्ट ड्राइव करके बिल्कुल देख के जाइए, उसके बाद डील करूंगा मैं। अपना आस्किंग आपको बता देता हूं, इस गाड़ी पे मैं आपको आस्किंग दे दूंगा ओनली 789 आस्किंग 19 की गाड़ी, 19 की गाड़ी है, 23,000 किलोमीटर ड्रिवन ड्रिवन राइट। अब इसके आगे आते एक और मोबिलियो सेम होंडा BRV में आता हूं, और सनरूफ WRV हो गई, 7 सीटर में BRV में आता हूं, अच्छा BRV लंबी हो गई, SMT वेरिएंट है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाती है SMT वेरिएंट में, डुअल AC आ जाती है, डुअल AC आती बिल्कुल रूफटॉप में, डुअल AC आ जाती तो है, 7 सीटर है, बिल्कुल 7 सीटर है। SUV में बहुत ज्यादा डिमांड है, SUV में मैंने ये डिस्प्ले कर दिया आपको, होंडा में WRV दिखा दिया तो BRV भी दिखाना है। 16 की गाड़ी है, 26 टैक्स स्पीड है, पेट्रोल वेरिएंट में, SMT वेरिएंट मतलब सेकंड टॉप वेरिएंट आती है ये वाली, व्हाइट कलर में, प्रिस्टाइन मिंट कंडीशन, गाड़ी आपकी चली हुई है 46,000 किलोमीटर, और ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस मैं आपको दे दूंगा ओनली 589,000 16 की गाड़ी, 26 टैक्स पेड सेकंड टॉप एंड वेरिएंट, जो लोग ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, पेट्रोल में मतलब IBTEC मतलब होंडा सिटी और इसका सेम इंजन वेरिएंट रहता है। अब इसके बाद देखिए इको स्पोर्ट्स, यहाँ पे इको स्पोर्ट ऑटोमैटिक टॉप मॉडल, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक टाइटेनियम फेसलिफ्ट वेरिएंट, अरे वाह ठीक है, 2018 की वेरिएंट है, अच्छा फेसलिफ्ट है,
गाड़ी आपकी 45,000 46,000 किलोमीटर ड्रिवन है। अच्छा। सेकंड सेट ऑफ टायर्स लगे हुए हैं। गाड़ी में एक रुपया का आपको खर्चा नहीं है। पेट्रोल वेरिएंट में ऑटोमेटिक है। इवन की क्रूज कंट्रोल इनबिल्ड आती है। फेसलिफ्ट वेरिएंट में ये गाड़ी मेरे पास 18 की अवेलेबल है। इसको जो लोग लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए आस्किंग प्राइस इसका आ जाएगा मेरे पास ओनली 6,39,000 में ऑटोमेटिक इको स्पोर्ट आप अपनी बना सकते हैं। नहीं कि क्या प्राइस होगी ऑटोमेटिक की? नहीं, ऑटोमेटिक का प्राइस इसका लास्ट वेरिएंट का जब गया है तब राजीव भाई इस प्राइस का गया है 14.5-15 लाख के आस पास। 14.5-15 लाख, वाह काफी अच्छा सही है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे हम एस क्रॉस में मारुति सुजुकी की एस क्रॉस में आता हूँ। 19 की वेरिएंट है। अलॉय व्हील देख के समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख के समझ में आ रहा है। सेकंड टॉप एंड वेरिएंट जीटा है। अल्फा भी सेम ही देखने में आती है। जीटा वेरिएंट है 1300 सीसी के साथ। जो न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट नेक्सा में आई थी वो वाली वेरिएंट है। डीजल वेरिएंट में अपने पास अवेलेबल है। गाड़ी आपकी चली हुई है 36,000 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, ये गाड़ी का भी आपको सर्विस हिस्ट्री और सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। 19 की गाड़ी है। 24 टैक्स पेड है। फर्स्ट ओनर फॉर श्योर। मैंने जितने गाड़ी भी आपके वीडियो में दिखाया है सब फर्स्ट ओनर ही मिलेंगे अपने पास। अपने सेकंड ओनर में डील नहीं करते क्योंकि अपनी सर्टिफिकेशन नहीं होगी। कस्टमर को रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन में अपने पास से आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। 1 ईयर का इंजन गियर बॉक्स वारंटी एंड 1 ईयर में 3 फ्री सर्विसेज, ये सारी चीज प्रोवाइडेड है। इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस बता दूं राजीव भाई, ये गाड़ी का आस्किंग प्राइस मैं आपको दे दूंगा ओनली 739 में न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट एस क्रॉस मारुति सुजुकी। क्या बात है भाई, बहुत सही। अब इसका क्रेटा पे आ गए। क्रेटा में आ जाता हूँ। क्रेटा में सारी गाड़ियां ही डिमांडेबल गाड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, मिनी एसयूवी का लाइन बहुत सुंदर है, आके जरूर देख के जाइए। 16 की क्रेटा है। डीजल वेरिएंट में 1.6 SX अलॉय व्हील देख के समझ में आ रहा है। 16 की गाड़ी 26 टैक्स स्पीड। इवन की वाइट HID आपकी LED लाइटिंग्स की हुई है। इंटीरियर में मून लाइट्स किया हुआ है। फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। गाड़ी आपकी 46,000 किलोमीटर ड्रिवन है। गाड़ी बहुत अच्छे मिंट कंडीशन में। और इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस मैं आपको दे दूंगा ओनली 699 में। ये डीजल वेरियंट में अवेलेबल है। SX सेम कलर में मेरे पास गाड़ी अवेलेबल है। पेट्रोल वेरियंट में SX ऑप्शनल पुश बटन स्टार्ट। वो गाड़ी भी आपकी 38,000 से 39,000 किलोमीटर चली है सेम कलर में। SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट पुश बटन स्टार्ट वाली, वो वाली गाड़ी पेट्रोल में अवेलेबल है और वो भी 699 में दे दूंगा। अब एक स्विफ्ट कितने में देंगे? स्विफ्ट राजीव भाई, ये तो जय जगन्नाथ जी की गाड़ी ऑलरेडी मेरी निकल चुकी है। ठीक है, आप ही के व्यूअर ने आगे वाले वीडियो से ऑलरेडी बुकिंग कर दिया है। 25th को वो गाड़ी ले रहे हैं क्योंकि वो सिलीगुड़ी से आ रहे हैं। अच्छा, ये अपने पास टेरानो है मिनी SUV में। मतलब इसको बोलते हैं बजट फ्रेंडली मिनी SUV में। 16 की गाड़ी है। 26 टैक्स पेड है। टेरानो का टॉप एंड वेरिएंट है। अलॉय व्हील देख के समझ में आ ही रहा है जी। ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाते हैं। डीजल वेरिएंट में अपने पास 110 PS वाली वेरिएंट। अच्छा, 110 PS वाली वेरिएंट में ये वाली अवेलेबल है। ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं। 16 की गाड़ी 26 टैक्स पेड, बहुत लेस ड्रिवन है। ये भी 49,000-48,000 के आसपास चली हुई है विद सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है। ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 479,000 आस्किंग प्राइस दूंगा इसका। मैंने हर बार बता दिया कि आपके व्यूअर्स का अलग स्पेशल डिस्काउंट ऑन टेबल दूंगा। 25 से 30 हजार का मार्जिन जिस गाड़ी पे जैसा है जरूर तोड़ के अपना दाम करके लेके जाइए मेरे से, लेकिन ऑन टेबल आके बैठ। अब आगे चलते कुछ गाड़ी देखते हैं। यहाँ पे एक और इको, हमने एक इको स्पोर्ट्स देखा न्यू शेप में। ये भी न्यू ऑटोमेटिक आगे वाले वेरिएंट में दिखा दिया। ये वाली मेरे पास 15 की वेरिएंट है, ओल्डर शेप में 15 की गाड़ी। अच्छा, ठीक है, 15 की वो भी क्या अगस्त सितंबर की गाड़ी है। ठीक है, पेट्रोल वेरिएंट में ये भी अवेलेबल है, वो भी पेट्रोल ही में थी। ठीक है, टाइटेनियम वेरिएंट ये वाली है, टाइटेनियम S पुश बटन स्टार्ट वाली वेरिएंट। ठीक है, ये पेट्रोल वेरिएंट में 15 की गाड़ी, 25 टैक्स पेड, ओनली 31,000 किलोमीटर ड्रिवन, ओनली 31। ठीक है, गाड़ी का सेकंड सेट ऑफ टायर्स भी इस पे रिप्लेसमेंट हो चुकी है। गाड़ी का टायर्स भी फेंकना वैसा कोई बात नहीं है। और ये गाड़ी 15 की एंडिंग के तरफ की, ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 479,000 में। 479 आस्किंग रहेगा। ऑफर प्राइस तो आपका वो ऑन टेबल वाला, इसके ऊपर में भी वो वाला प्राइस आपका स्पेशल रहेगा ही। गाइस अगली कार की तरफ आ गए। ये क्या बना दिए आप? फास्ट एंड फ्यूरियस। मैंने कुछ नहीं बनाया है, ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया राजीव भाई।
ये S प्लस वेरिएंट थी, 1 लाख की एक्सेसरीज लोड थी इस गाड़ी में। अच्छा। बेस ट्यूब से लेके लाइट ऑलरेडी बुकिंग कर दिया है, ये बुकिंग हो गई। दूर से आ रहे थे, 5 लाख रुपए ऑलरेडी ना बुकिंग के लिए भेज दिया उन्होंने, ठीक है, इंस्टेंटली गाड़ी को सिर्फ आपके वीडियो पे देख के। मेरे पास सेम वेरियंट में SX ऑप्शनल सनरूफ DCT ऑटोमेटिक टॉप एंड वेरियंट भी आ रही है, इसलिए मैंने गाड़ी दिखा दी आपको, क्योंकि वो वाली वेरिएंट मेरे पास अवेलेबल है, है वो वाली आप लेके जा सकते हो। वेन्यू का मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आ रहा था आपके वीडियो से, वेन्यू मेरे पास अभी भी अवेलेबल है, वो आप सनरूफ वेरिएंट में ऑटोमेटिक मेरे पास आके जरूर अवेल कर सकते हैं। गजब की लग रही है, ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, लाख रुपए का डाले हुए। अब ये क्या स्कोडा की? चलिए स्कोडा में आ जाता हूँ। 25 टैक्स पेड है, में ये वाली गाड़ी अपने पास अवेलेबल है, 15 की गाड़ी, 25 टैक्स पेड, फर्स्ट ओनर कार, गाड़ी आपकी ये वाली 59,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। अच्छा। आगे वाले वीडियो में भी मैंने मेंशन किया है इस गाड़ी का 3.5 लाख रुपए के आसपास का प्राइस। अच्छा। चलिए इसमें आस्किंग पे ही मैंने बताया था बहुत अच्छा ऑफर देने वाला हूँ। ये डीजल वेरिएंट गाड़ी बहुत अच्छी माइलेज निकालती है, रेयर एसी वेंट से लेके रेयर एयरबैग से लेके सब कुछ मिल जाती है, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स तक। जी। ये गाड़ी आपको दिलवा सकता हूँ ओनली 3,25,000 आस्किंग। 25,000 का सिर्फ आपको आस्किंग पे डिस्काउंट दे दिया। ये सोलह की जैज है, SMT वेरिएंट है, 26 टैक्स पेड है पेट्रोल वेरिएंट में। अच्छा। SMT वेरिएंट अपने पास अवेलेबल, 16 की गाड़ी, 26 टैक्स पेड पेट्रोल वेरिएंट। पेट्रोल वेरिएंट ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 3,99,000। 399 में 16 की गाड़ी। अच्छा, अब आते हैं ये, चलिए 14 की अमेज में आता हूँ। 14 की अमेज डीजल वेरिएंट में SMT वेरिएंट है, डीजल लाइनिंग में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है अपने पास, डीजल लाइनिंग में आ गई है गाड़ी। बहुत अच्छा माइलेज निकालती है, डिजायर के बराबर मेंटेनेंस भी आती है। गाड़ी आपकी 14 की है, 24 तक टैक्स पेड है। ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 2,99,000 में 14 की गाड़ी। अच्छा, एक और जैज, होंडा जैज, और एक 16 की जैज है। जैसे मैंने बताया वो भी SMT, ये भी SMT, वो वाली 38,000 चली थी, ये वाली 40,000 चली है। 16 की गाड़ी है, 26 टैक्स पेड है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है SMT वेरिएंट में। ये गाड़ी भी सेम प्राइस 399 में 16 की गाड़ी, 26 टैक्स। अच्छा, अभी होंडा अमेज, होंडा अमेज में आ जाता हूँ। 15 की गाड़ी है, 25 टैक्स पेड है, ये वाली पेट्रोल वेरिएंट है, वो वाली डीजल वेरिएंट दिखाया था। ये 15 की 25 टैक्स है, ये वाली गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं। ये वाली गाड़ी भी अंडर 40,000 किलोमीटर ड्रिवन है, सर्विस हिस्ट्री अवेलेबल है हर एक गाड़ी के ऊपर। हर एक गाड़ी के ऊपर जो भी आपको स्टॉक दिखा रहा हूँ, सर्विस की वारंटी और 3 सर्विसेज आपको फ्री रहेंगे। ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 3,19,000। 319। अच्छा, क्या बात है। अब इसके बाद देखिए होंडा की, होंडा सिटी ऑलरेडी बुकिंग हो गई है। अच्छा, बुकिंग होंडा सिटी अभी ये वाली अवेलेबल नहीं है। मैंने नई वाली जो वेरिएंट दिखाई है वो है। वैसे लाइनअप में एक चीज क्लियर कर दूं राजीव भाई, सबसे बड़ा चीज है कि अपने पास और 10 गाड़ी लाइनअप में है जो रेडी हो रही है, जो कि अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि 7 सीटर में XUV 500 टॉप एंड वेरिएंट W10 व्हाइट कलर में सनरूफ वेरिएंट अपने पास अवेलेबल है। 16 की गाड़ी, 26 टैक्स पेड, वो गाड़ी का आस्किंग मैंने रखा हुआ है 9.49, ठीक है, वो गाड़ी का आस्किंग वो मिल जाएगा। मेरे पास अभी जैसे कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरी थी आपके आगे वाले वीडियो से, इसलिए व्यूअर्स के प्यार के वजह से ही ढूंढ के निकालने पड़ी है, ठीक है। वी वेरिएंट में इनोवा क्रिस्टा 2016 की लाइफ टाइम टैक्स अपने पास अवेलेबल है पर्पल कलर में, ठीक है, और वो गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 14,50,000 आस्किंग रखा है। आके जरूर देख के जाइए, बहुत लेस ड्रिवन है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है लाइफ टाइम टैक्स के साथ। और भी कुछ कुछ गाड़ियां हैं स्टॉक में, जैसे आसाम नंबर मेरे पास वरना हो जाएगी। आसाम नंबर की जो वरना है वो एक बार मैं दिखा देना चाहूँगा, ठीक वेन्यू के बगल में लगी हुई है। राइट, तो उसकी क्या आपने डिमांड रखा है? वो वरना 1.6 SX वेरिएंट है, लाइफ टाइम टैक्स है, आसाम की रजिस्ट्रेशन है, आसाम का मैंने डीलर प्राइस बता दिया है। वैसे भी आगे वाले वीडियो में SX ऑप्शनल 1.6 पेट्रोल वेरिएंट में गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर ओरिजिनल कंडीशन में, 12 की गाड़ी, लाइफ टाइम टैक्स। ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं ओनली 2,99,000 ये। हाँ जी right. तो ये सारे चीज क्लियर करने के बाद राजीव भाई यही बता देना चाहूंगा, अपने पास से सारे ऑफर वो मिल जाते हैं। कोई भी कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अंडर वन रूफ आपको ट्रांसफर फैसिलिटीज डन हो जाते हैं, ऑल ओवर बंगाल के अंदर में फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल। चलिए वीडियो की क्या करें समाप्त, बिल्कुल राजीव भाई नया स्टॉक फिर नई वीक में लेके आता हूँ, क्योंकि आगे वाले दिन आगे वाले स्टॉक में भी आपके वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा था। व्यूअर्स को यही बोलूंगा,
पहला वैशाख का ऑफर सेल है, पहला वैशाख आ रहा है, आगे वाले में होली का सेल दिया था उस टाइम भी धमाका था, और इस टाइम का आपका व्यूअर का स्पेशल धमाका ऑफर यही रहेगा कि ऑन टेबल 25,000 से 30,000 हर गाड़ी के आस्किंग पे जो बोला हूँ उस पे छोड़ूंगा। बैठ के आपको टेस्ट ड्राइव करके ऑन टेबल नेगोशिएट करके लेके जाना होगा। मेरा एड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर दिया हुआ है, फॉर एनी नंबर चल रहा है आप कॉल करके। बिल्कुल बिल्कुल।